मेरी डांडियो काटियो का मुंडक जैलियो बसंत ऋतु मैं इस समय अपने गांव कठोल में खड़ा हूं। ये गांव सितुन सिंह पट्टी के अंतर्गत आता है। ये गांव का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, और ये गांव हमारा कठोल सबसे बड़ा गांव सिटी का है और कोट ब्लॉक का भी सबसे बड़ा गांव है। इसमें मेरे साथ गांधी सिंह जी खड़े हैं, आशुतोष नेगी जी हैं। ये गांव प्राइमरीली 350 परिवार का गांव है, इसे सबसे बड़ा गांव माना जाता है। एक ज़माना था इस गांव में हर वर्ष झांगर का प्रसिद्ध मेला लगता था और बहुत बड़ी आबादी रहती थी। मुझे याद है, मैं 1975 से लेके 80 के बीच में अक्सर इस गांव में आया हूँ। मेरा परिवार भी कुछ समय के लिए गांव में रहा है। उस समय इस गांव में अच्छी खासी चहल पहल होती थी जो 80-85 के दशक तक रही है। बड़े बड़े खेत हैं और इनमें अच्छी खासी फसल हो सकती है। और पीछे की तरफ भी करेंगे पैन कैमरे को। सामने नवन गांव है और वो सामने उस तरफ देख रहे हैं कोट ब्लॉक है। तो ये बीच में जो खेत आप देख रहे हैं, ये खेत पूरे बंजर पड़े हैं और जिस तरीके से खेत बंजर पड़े हैं उससे इस चीज़ का खास इंडिकेशन होता है कि किस तरीके से आज पहाड़ के गांव सूने हो। मैं ये बताना चाह रहा था इन खेतों के जरिए कि एक ज़माना था इन्हीं खेतों से इस पूरे गांव के परिवार होते थे। हमारी मनी ऑर्डर इकोनॉमी ज़रूर थी, लेकिन मनी ऑर्डर इकोनॉमी से छोटी मोटी चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें आती थी, लेकिन मूलतः इन खेतों में खेती के ज़रिए अनाज उगाया जाता था और लोग बहुत संपन्न थे और इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। मतलब न सिर्फ भरपूर तरीके से अपना पेट भरते थे, परिवार का पेट भरते थे, भरण पोषण करते थे, लेकिन साथ साथ जो है वो अनाज बचाते भी थे और आगे भी वो काम आते थे, बेचते भी थे। मुझे याद है अभी तक 80 के दशक में हमारे गांव से सब लोगों का दूध इकट्ठा होकर के पौड़ी बिकने आता था और अच्छा खासी उससे कमाई होती थी। लेकिन आज देखो कैसी स्थिति। और ये जमीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पथरीली जमीन नहीं है जैसे हिस्सों में होती है। ये सपाट खेत हैं, उपजाऊ खेत हैं, यहाँ ऑर्गेनिक खेती बहुत जबरदस्त पैमाने पर हो सकती है। इस तरफ देखिए आप, गांव में कुछ मकान ऐसे भी हैं जो पक्के मकान हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ खेत भी हैं लेकिन वो इन खेतों में वो खेती नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना, मॉब साइकोलॉजी होती है, अगर किसी ने कुछ कहते तो सारी भीड़ उसके पीछे चली जाती है। उसी इस तरह की स्थिति आज गाँव में भी है कि एक तरफ पलायन जरूर हुआ है, लेकिन जो लोग बचे भी हैं वो भी पलायन होने वाले लोगों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। वो भी उनकी तरह ही खेती नहीं करना चाहते हैं, मनी ऑर्डर इकोनॉमी में जिंदा है या छोटे छोटे रोजगार से जुड़े हुए हैं, आराम परस जिंदगी बसर करने में अपना सुख महसूस कर रहे हैं। तो ये स्थिति आज पहाड़ की है साथियों। कठोल गांव के पास उनकी अपनी पर बड़े पैमाने पर खेत खाली पड़े हैं, खेतों पर जंगली झाड़ उग रही है। किस तरीके से एक ज़माने में 1500 आबाद परिवारों का गांव आज सिमट कर मुश्किल से 60-70 परिवारों तक सिमट के रह गया है और किस तरीके से यहाँ का युवा, यहाँ का जो कॉन्शियस वर्ग है, यहाँ का जो एजुकेटेड तबका है, यहाँ के जो संपन्न लोग किस तरीके से पहाड़ों की तरफ तेजी से पलायन कर गए हैं, जो वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी माता जी यहाँ खड़ी हैं और माता जी हमारी कठोल गाँव की हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगी। माता जी कुछ बोलोगे आप? ये गाँव का बारह माह इना मैं सुनील छो पहचाना मिलते हैं आपका बेटी कब गाँव माँ क्या क्या चुनू छे है कुछ तो हनो लो ये हमारे दोस्त छे। अरे ये बताया गाँव माँ कुछ खेती बाड़ी किला नहीं करना चाहन लोग? हाँ तो और किले नहीं करना चाहन? So, ये हमारे रिश्ते में है, हमारी दीदी लगी है हमारी। एक जमाने में इनसे खासी मुलाकात होती थी, आज ये गांव में रह रही है अकेली वर्षों से। बहुत कम आबादी इस गांव में है लेकिन अपना जीवन यापन कर रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमित साधनों में इन
absence of any economic aid, she is just trying to sustain. और ऐसी स्थिति में अंदाजा लगा सकते हैं कि 1500 परिवारों का गांव आज ऐसी ही गिनती के लोगों, खासतौर से हमारी माताओं, बहनों, दीदियों तक सिमट के रह गया है। और गांधी सिंह जी ऐसे शख्स हैं जो आज भी इस गांव को आबाद करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेती करेंगी और हमारे खेतों में हम ही लोग जो मालिक हैं वो हमारे बच्चे मजबूर हो जाएंगे। जब भूख पड़ेगी तो वो ही खेतों में वो मजदूरी मजदूर की तरह काम करेंगे। और इसका मुझे बड़ा दुख है, मैं अपने गाँव के युवकों को एकत्रित किया, उन्हें समझाया कि यार हम इसको क्यों ना एक नजीर के तौर पर एक सामूहिक रूप से एक ऐसी संस्था बनाए जिससे हम लोग ये कहें कि जाओ सब आओ सब मिलकर के खेती करें। कोई आदमी अगर स्वयं करना चाहता है हम उसका स्वागत करेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, सरकार इस समय 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र दे रही है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इस काम को करें। यहाँ का युवा वर्ग भी मैं समझता हूँ उसके खून में भी जोश नहीं है, उसके अंदर भी कोई अपनी, क्योंकि भूल गया वो, उसको सिखाया नहीं गया कि हमारी कोई पहचान थी, और वो भी इसके प्रति उपेक्षित है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि ये हम जहाँ एक उत्पादकता के लिए जाने जाते थे, हर अनाज हमारे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से पैदा होता था, अपने पूर्ति के अलावा हम अन्य गांव के लोगों को भी इसकी आपूर्ति करते थे, वो अब समाप्त हो चुका है। और हम केवल थैली लेकर के इसमें सोसाइटियों पर निर्भर करते, सरकार का भी इसमें दोष है कि 100 रुपये में राशन दे रही है, पूरे राशन मिल रहा है, मुफ्तखोरी बढ़ गई है, उस मुफ्तखोरी के कारण जो है लोग काम करना छोड़ दिया, हमारी विल पावर, हमारा जो कार्य क्षमता थी वो समाप्त हो गई है। और जो यहाँ बचे कुछ रहे भी है कौन, वो जा नहीं पा रहे, नहीं तो वो भी कभी भाग जाते हैं यहाँ से, और जा नहीं पा रहे। हम 500 योजनाएं बनाए पर जब तक ईमानदारी से काम न हो, सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति न हो, स्वयं वो नेता जो सरकारों में बैठे हुए हैं, वो अधिकारी कर्मचारी स्वयं अपने गाँव में बसना शुरू नहीं करेंगे। साथियों, मेरा यही आपसे संदेश है, जहाँ भी आप कहीं हैं अपने गांव कम से कम साल में 2-4 बार ज़रूर आएं, 2-4 बार आएं साल में, और आकर के यहाँ के लोगों से बात करें, मिलें, छोटी छोटी संस्थाओं के माध्यम से, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को अपने साथ मेन स्ट्रीम में जोड़ें, यहाँ काम करें। मोरी का गणेश जाग, मोरी का नारायण जाग, पांच देव नाग जाग, रुआई धुआई संध्या जाग, ओसकी ओसियाई संध्या जाग, चौमास मा बरखियाई संध्या जाग, बद्री केदार मा जाग, खोली का देव प्रयाग मा जाग, हरी का हरिद्वार मा जाग, चंद्र बद्री कुंजापुर की धाती मा जाग, कोट ब्लॉक के एक बड़ा गांव है कठूर, यहाँ पे बड़े बड़े खेत किस तरह से यहाँ पर बच्चे पड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े खेतों में खेती करना चाहे खेती की जा सकती है, कोई बेसाती की लोग इकट्ठा नहीं होते, उसके अगल बगल के खेत आपस में लोगों का तालमेल नहीं बैठ पाता, जिस वजह से सामूहिक खेती नहीं हो पाती। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से जो कि एक पलायन को चुनौती देते हुए एक रिपोर्ट हमने बनाने की कोशिश की है, हमारा सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से निवेदन है कि वो बिना हमें ये समझना चाहिए कि बिना संयुक्त प्रयास के हम अपने गांव को आबाद नहीं कर सकते, अपने उत्तराखंड को आबाद नहीं कर सकते, इसलिए हम सबका एकजुट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसकी शुरुआत हमारे गाँव से होगी, हमारे अपने गाँव के पड़ोसियों से होगी, आप उनसे बातचीत करिए कि किस तरह से हम लोग आपस में एकजुट होकर अगर खुद भी खेती न करना चाहे किसी को दे सकते हैं, और अगर बीज किसी को दी जाती है तो यहाँ पे बढ़िया खेती हो सकती है, और एक रोल मॉडल यहाँ पे खेती का तैयार हो सकता है, जिसके बाद यहाँ पे पशुपालन, हॉर्टिकल्चर और तमाम किस्म के काम किए जा सकते हैं, इससे यहाँ के और जो हमारा उत्तराखंड झेल रहा है उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। जागो उत्तराखंड के लिए बॉडी के कठोर गांव से